वाइटेरा का फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग है भाई। फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होगी 2 वीक के बाद। यहाँ होती है पालनपुर की सीमा समाप्त। और देखो इन्होंने पीछे वो लटका रखी है ना लोहे की, वो है स्नो चेन। देखो ये घर तोड़ दिए हैं सारे। टैंक बैग का काम हो गया है। टैंक बैग का देखो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे दिखेगा कुछ इस पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन नॉर्डन राइटर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूं ठाकुर द्वारा, जहां पे मैं करवाऊंगा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस टैंक बैग के लिए। ये टैंक बैग जो मैं यूज़ करता हूँ बायटेरा का फ्लाई मैग्नेटिक टैंक बैग है। और ये मैंने लिया था जब मेरे पास हिमालयन थी, और हिमालयन पे वो इजीली सेट हो जाता था, बैठ जाता था, बिकॉज उसमें मैग्नेट लगे हुए थे। अब मेरे पास है डोमिनार 400, उसका टैंक है फाइबर का, तो उसमें ये सेट नहीं होता। मैंने इसको स्पीति राइड में यूज़ किया था डोमिनार पे, तब मैंने उसे बंजी कोड के साथ सिक्योर किया था, वो झंझट वाला काम था। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, तो मैं वहीं चल के बताऊंगा। और इसके लिए कुछ और स्ट्रैप बनानी है जो कि डोमिनार में को मैं फिक्स कर सकूं इजी। और साथ में मेरे ये लगेज हैं, टूरिंग बैग हैं, ये सारे लगेज हिलते रहते हैं, पूरी तरह सिक्योर नहीं होते हैं। फिर भी कुछ मैं एडिशनल स्ट्रैप इस पे लगवाने वाला हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा एक आइडिया है कि जो बाइक या जो कार के सीट कवर बनाते हैं उनके पास जाऊंगा मैं, और वहां पे उनसे मैं स्ट्रैप बनवाऊंगा इनके लिए, ताकि ये दोनों फिक्स हो जाए। बाइक को भी स्टार्ट करते हैं 2 वीक के बाद। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, पता नहीं स्टार्ट होगी, हो तो जाएगी, देखते हैं कितनी सेल्फ में स्टार्ट होती है 2 वीक के। 16 सितंबर वाली राइड के बाद में मैं आज इस बाइक को कर रहा हूँ जाके। ये खड़ी है अपनी बाइक भाई, इसे करते हैं स्टार्ट, देखते हैं होती है कितनी सेल्फ में स्टार्ट होती है। 2 वीक के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ आज इसमें मैं भाई। फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होगी 2 वीक के बाद ये। चलो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं इंजन। साढ़े 11 हो गए निकलते निकलते, और गर्मी ठीक ही है, पसीने आ रहे हैं। सो चलो भाई, नमस्कार भाई। ना पहुंच गया भाई मैं सैनिक टूर एंड ट्रेवल्स। सैनिक बस बड़ी फेमस थी, इनकी भी पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं कि यहाँ पे 3-4 फॉर्म हैं जिनकी गाड़ियां हैं, ज़्यादा बसेज हैं। जैसे न्यू प्रेम वालों की तो बहुत ज़्यादा बसेज हैं, और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है, और बहुत हैं भाई, बहुत बसेज ही है मेन ट्रैवल करने का जरिया यहाँ के लोगों का आज भी। बजाज का जो सर्विस सेंटर है ना, उसके बगल में मिल जाएगा मेरे को, वो कार के सीट कवर वगैरह बनाता है बंदा, अगर उसकी दुकान खुली होगी तो। लास्ट टाइम अच्छा संडे को आया था तब बंद थी ना। हाँ, आज शायद खुली हो। जैसे जैसे हम पालनपुर की तरफ जाते हैं ना, टेम्परेचर में फ़र्क पड़ ही जाता है, कम हो जाता है थोड़ा सा। और ये देखो पालनपुर के पहाड़ों पर तो बादल ही है, सब ऊपर होंगे धौलाधार माउंटेन्स रेंज। ये कभी बर्फ़ से ढकी रहती है, कभी बादलों से ढकी रहती है। अभी सर्दियों में इस पे बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, आज देखेंगे अभी तक बर्फ़ है या नहीं है, दिखाता हूँ अगर होगी तो। तो आज तो पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं, तो कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, पर बर्फ़ शायद अभी ऊपर ऊपर पड़ी होगी, नीचे तो पहाड़ों में कहीं बर्फ़ है ही नहीं। नहीं तो ये क्लियरली दिखते हैं, ये कहाँ जा रही है? ऑन टेस्ट, अच्छा टेस्ट राइड के लिए जा रही है बस भी। बोलवो जाते टाइम मैं इस रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ता जो है वो टी गार्डन से निकलता है मेरे पुली के पीछे से है ना, और यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेके जाना है। होप कि वो भाई की दुकान खुली हो तो मेरा काम हो जाए, नहीं तो मेरे को किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, किसी और दुकान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा मुझे। अरे भाई साहब, मौसम अति सुंदर। ये है बजाज का सर्विस सेंटर, इसके बगल में ही है भाई की दुकान।
तो यहाँ पे तो नहीं है भाई, ये बंद है, मुझे आगे जाना पड़ेगा। आगे भी है एक, पर थोड़ा सा दूर पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, काम करवाना है, दूर क्या नज़दीक क्या। यहाँ होती है पालनपुर की सीमा समाप्त। आर्मी वाले ट्रक जा रहे हैं, योल कैंट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। और देखो इन्होंने पीछे वो लटका रखी है ना लोहे की, वो है स्नो चेन। ये इस्तेमाल करते हैं जब ऊपर जाते हैं लद्दाख लद्दूख साइड जाते हैं बर्फ़ वाले एरिए में, तो ये बस इस्तेमाल होती हैं इनमें। हम मैंने बनानी है स्नो चेन अपनी बाइक के लिए ना, कहाँ बनती है थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही बनानी पड़ेगी। कि मैं प्रेफर करूँगा कि कहीं मिल जाए यार बनी बनाई, तो अच्छा है। ये है पंजाब केसरी, यहाँ प्रिंट होता है, हिमाचल में न्यूज़पेपर आते हैं दो तीन दिव्या, हिमाचल, पंजाब केसरी, अमर उजाला। पंजाब केसरी की एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे है। लगता है ये भी 4 लेन हाईवे बनने वाला है यहाँ से भी ना, अब बनेगा कब ये नहीं पता। पेड़ पूड़ तो काटे हैं इन्होंने काफ़ी। तो ये देखो लैंड एक्विजिशन हो रखा है, जो मैं बोल रहा ना इससे 4 लेन बनने वाला। वो देखो ये घर तोड़ दिए हैं सारे, ये देखो ये घर तोड़ दिए हैं, यहाँ से खाली हो गया सारा एरिया। तो जल्दी आई थिंक कि स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक बनेगा ये नहीं पता, मंडी तक बनेगा, बनेगा तो ज़रूर है। जहाँ पुल पल बनने वहाँ खुदाई कर दी स्टार्ट। खाली करवा दी है खाली, मैं तो पहुँच ही गया भाई, इधर ही कहीं होनी थी दुकान। अच्छा ये है कार सीट कवर की दुकान। भाई नमस्कार, एक्चुअली मेरे बैग है ना भाई, इसमें वो स्ट्रैप लगवानी है। स्ट्रैप बना देते हैं ब्लैक कलर की, नहीं बनाते भाई? ने तो कर दिया मना कि हम नहीं करते हैं। नगरोटा जा रहा हूँ मैं, नगरोटा में करते हैं काम। ये ट्रक भी निकल गया मेरे से आगे। नगरोटा में ना बैग जो रिपेयर करते हैं वो कर सकते हैं। ये देखो काम चल रहा है इस हाईवे का पूरा। चलो भाई नगरोटा चलते हैं, फिर काम तो करवा के घर जाऊंगा आज मैं। नगरोटा पास में ही है, इधर से 3-4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर। कांगड़ा 20 किलोमीटर और पठानकोट 95 किलोमीटर है तो है। नगरोटा में ना बैग रिपेयर करने वाला कोई बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इधर हनुमान का टेंपल है, उसके साइड में ही है, साथ में ही है, गली में कहीं। ये है हनुमान जी का मंदिर। गली में बाइक खड़ी कर सकते हैं बिकॉज इधर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक तो है ही नहीं। ये खड़ी करना है। चलो पहले मैं पूछता हूँ उससे, करेगा कि नहीं करेगा। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली एक बैगे शॉप पे है, कांगड़ा ये नगरोटा बाज़ार के बीच में है, हनुमान टेंपल के अपोजिट गली में। और अंकल जी से बात कर ली मैंने, उन्होंने बोला कि ठीक है देखता हूँ मैं कुछ और कर देंगे शायद। और ये है महिंद्रा बैग हाउस। अभी अपने जो बैग का जो जैसे मुझे अरेंजमेंट करना है बाइक पे जैसे फिट करना है वैसे मैंने भाई को समझा दिया, उन्होंने बोला कि हो जाएगा। भाई फाइनली अपने जो टैंक बैग की स्ट्रैप का जो काम चालू हो गया भाई। ये देखो ये है, ये कुछ इस टाइप की रहेगी ये, और इसके दोनों एंड पे लगाएंगे हम, इस टाइप की रहेगी, इसके दोनों एंड पे लगाएंगे हम वेलक्रो। जब वो प्रॉपर बन जाएगा ना तो फिक्स करके दिखाऊंगा मैं आपको। फाइनली जो बैक की स्ट्रैप बन चुकी है, अभी उसको फिक्स कर रहे हैं, जैसे चाहिए थी वैसे हमने बना ली, देखते हैं फिक्स करके। इस टैंक बैग का काम हो गया है। टैंक बैग का देखो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे दिखेगा कुछ इस पर लगा हुआ। ये तो बैग के साथ में ही थी जो हमने टाइट कर दी, हो गई। और इसके बाद मैं यहाँ पे किया है बंदोबस्त इसका,
ये हमने एक यहाँ से हमने एक डाली है, स्ट्रैप डाली है राउंड करके स्टेयरिंग के, ये देखो यहाँ से दिख रही होगी, यहाँ से राउंड करके डाली है और यहाँ पे हमने ला ली है बक्कल, ये बक्कल लगाए हैं इधर, ये अटैच हो गई है तो फिक्स हो गया, स्टडी हो गया है। और साथ में मैंने एक और सिस्टम करवा रखा है इसमें, ताकि जब मैं कभी इसको खोलूँगा ना पेट्रोल डलवाने के लिए, तो यहाँ से इसको खोलूँगा और पेट्रोल डलवा लूँगा ऐसे करके, ठीक है। और ये जो स्ट्रैप है नीचे भी नहीं गिरेगी, बिकॉज हमने यहाँ पे एक और बीच में ये लगा दिया है जो इसको रोक के रखेगी नीचे गिरने से। तो ओवरऑल ये सिस्टम तो बन गया, अब हम लगेज सिस्टम को फिक्स करने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, जुगाड़ ही करना पड़ेगा। हो गई छुट्टी, इधर की है लोकल? हाँ अच्छा, अभी कहाँ स्कूल है इधर, ये ट्यूशन, क्या नाम है आपका? सो गाइस अभी मैंने लगेज का जो काम है वो नहीं करवाया, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वो बोल्ट दबाएगी, उसमें बोल्ट लगा देंगे अंदर छेद करके बैग में ना अंदर, और सिलाई कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद बोल्ट जो हैं वो यहाँ पॉइंट थे इन पॉइंट से वो फिक्स कर देंगे, तो आपके बैग इधर उधर नहीं भागेंगे। बट मैं उसकी जो फिर वाटर प्रूफ जो कैपेबिलिटी वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती, इसका काम नहीं करवा रहा हूँ। और टैंक बैग का जो काम हो गया है, हम निकलते हैं वापस गाइस। एक काम तो हो गया और दूसरे काम के लिए मैं सोच रहा हूँ अच्छी वाली स्ट्रैप मंगवा लूँगा बैगेज सिक्योर करने वाली ना, तो फिर वो वाली दिक्कत नहीं आएगी फिर हिलने वाली। बाय बाय नगरोटा। चलो फुल स्पीड से निकलेंगे अभी, कहाँ जा रहे हो, लेके जाओगे क्या हमें? हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ऐसा सिस्टम है ना गाड़ियों वालों का। प्रणाम परिणाम को बदल देखता है क्या भाई, पते वाली लाइन लिखी है इन्होंने। मैं पहुंच चुका हूँ ठाकुर द्वारा और यहाँ से लूँगा राइट, और पुली के पास में से आगे फिर राइट लेके एंटर कर जाऊँगा मैं टी गार्डन्स वाले एरिए, टी गार्डन्स वाले रोड से जाऊंगा फिर मैं। यहां से राइट लेना, मेरे को इंडिकेटर दे दिया। चलो जी आज आपको नया रास्ता दिखाता हूँ मैं। चाय पीने का वैसे टाइम हो चुका है, चाय पीने का मन कर रहा है, आगे चल के अगर कोई होगा रेस्टोरेंट वगैरह होटल ढाबा जो भी होगा जहाँ चाय मिलती होगी, चाय के लिए रुकूँगा। देखो कितना सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं इधर, हैं छोटे हैं पर सुंदर हैं। वाह नज़ारे, एक नंबर एक नंबर भाई एक नंबर। यहाँ ट्रैक बना रखा है, वहाँ पे वो होती है ATV राइड होती है वो, अभी कैसे होती है क्या टिकट है उसका ही नहीं पता। ये देखो ये सब टी गार्डन्स हैं, और ये देखो यहाँ तो कटाई भी बड़ी सुंदर कर रखी है, क्लोज लिखा है गेट पे। नज़ारे सुंदर हैं भाई, देखो इधर रुकता हूँ मैं थोड़ा सा फिर दिखाता हूँ आपको पहले नज़ारे यहाँ के, जिन नज़ारों को देखने के लिए और दिखाने के लिए आया हूँ तो वो कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ से भाई ये टी गार्डन स्टार्ट होते हैं और एक दो डेढ़ किलोमीटर नीचे तक हैं या 2 किलोमीटर तक, और फिर मैं उसी रोड पे जाऊँगा, फिर मिल जाऊँगा बवाना वाले रोड पे जाके ना। आप फिलहाल ये नज़ारे देख लो टी गार्डन के। यहाँ जो कैफ़े है वो बंद है, सोच रहा था यहीं रुक के चाय पीता हूँ, और भाई थे स्कूटी वाले, इनको बोला भाई फ़ोटो निकाल दो, इन्होंने निकाल दिया। अब नीचे जा रहे हैं, एक और मतलब व्यू पॉइंट है वहाँ पे भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, तो उनके साथ जाऊँगा और व्यू पॉइंट पे एक दो फ़ोटो और खींचूँगा फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। ये भी गार्डन दोनों साइड है रोड के, अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट जगह है।
अच्छा यहाँ तो ले ली हमने फोटो। यहाँ आते हैं ना टूरिस्ट, यहाँ तो ले ली है भाई फोटो हमने। यहाँ पे तो मैंने एक रील बनाई थी पहले इस जगह पे ना। ऊपर वाला जो है वो मंगलवार को जो बंद रहता है ना। अच्छा चलो, आपका नाम क्या भाई? मेरा तो रिंचन। ये है भाई मेरा चैनल नेम। थैंक यू भाई।